Shiva. Om Namah Shiva. Om Namah Shiva. दर्शन करना नहीं भूलते। अरे ठाकुर बाबू के घोड़ा सुता है भैया। वाह वाह। जय हो माता जी, लो तुम्हारे भक्त आ गए। जय हो माता जी। अरे भाई अपना अपना प्रसाद लेके जाना, वैसे ही मत चले जाना। तो भाई टाइगर चेतक ने तो खा ही लिया। सड़क पार करा दे, भगवान तुम्हारा भला करेगा बाबू। अंधे को, अरे ले चल बेटा, भगवान तुम्हारा भला करेगा। इस दुनिया में अंधे का भी कोई तो है। शेर का पान शेर और थोड़ा गाढ़ा है ससुर, और डालत है अपना बाप का कहा जात है। गाँव में जई हो, दूसरी शादी बनाई हो, का मजा आई है। और मिलावट है। ये ससुरवा कहा से? अबे छोट, तो हर बाप का है का? छोट छोट वही गवा, दूध का दूध और पानी का पानी। ये घोड़े कुत्ते ने हमारा सत्यानाश कर दिया। Thank you.
बाबा बाबा एक पैसा दे जा बाबा, इस लंगड़े का भला हो जाएगा बाबा, खाली पेट पापी पेट बाबा, सुबह का कुछ नहीं खाया बाबा, एक पैसा दे जा। अरे 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 ये कहाँ से आ गया, सुबह सुबह धंधा चौपट कर दिया। खेलोगे आप भी जोली? अच्छा आओ। ठहरो चेतन, टाइगर आओ खेलें। टाइगर आओ, टाइगर आओ। रोड छोड़ता है क्या? नहीं हट। hey! ये घोड़ा आपका? और क्या, आपके बाप का है। Shut up! तो ये रोड भी तुम्हारे बाप की है क्या? मैं कहता हूं इस घोड़े को यहां से हटा दो। मिस्टर मोटर वाला, अगर मैं ये घोड़ा ना हटाऊं तो? मिस घोड़े वाला, अगर तुमने इस घोड़े को यहां से नहीं हटाया तो मैं इसे गोली मार दूं, समझी? अच्छा, चलाओ ना। तो तुम घोड़ा नहीं हटाओगी यहां से? चलाओ गोली, चलाओ ना। नहीं। Oh, you damn it! अरे, oh, you damn it! अरे मैं क्या करती हूँ, उसमें गोली भरी है। चल। ओह। पटाखा बहुत अच्छा है। पटाखा? लो टाइगर, दिवाली के दिन पटाखा चलाएगा।
चलो टाइगर आओ चेतक, बड़ा आया पिस्तौल चलाने वाला। आओ टाइगर आओ, आओ आओ चेतक। लड़की ये पक्का बोला? सच कहता है यार, क्या जमाना आ गया। बेचारा सुबह से लोहा कूद रहा। अरे अनु दीदी। अरे अनु बिटिया, आज तेरा कैसे आना हुआ बेटे? तुमसे मिलने आ गई चाचा। अरे जाजा, तेरे घोड़े का बूट उतर गया होगा इसलिए आई है। अरे क्या करता है? ये क्यों नहीं कहती है कि तू घोड़े का नाल लगवाने आई है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? तो आप है मेरे बाप। देखो घोड़ा जी, ये मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ये मजाक नहीं चंदू भैया, ये कहता है कि पहले मेरा काम कर। ऐसे हुक्म देता है जैसे मेरा बाप हो। अरे चंदू जल्दी कर, निकाल कोई बढ़िया सा नाल, नहीं तो तेरी खैरियत नहीं। निकालता हूँ। अगर मैं घोड़ा होता तो इस गधे के बच्चे को देख लेता। ये लो उस्ताद। क्या शरबत पानी पी ले, मैं अभी घोड़े के नाल लगा देता हूँ। अच्छा अच्छा, चंदो समझ गया उस्ताद। हाँ अनु बिटिया, सुना कोई राज दरबार की खबर? तुम्हारे पिताजी तो बहुत दिनों से दिखाई नहीं दी। अरे चाचा, लगे होंगे जनता की सेवा में। अरे भाई, ठाकुर जगदेव सिंह जैसा दिल गुर्दे वाला आदमी नहीं देखा। टाइगर कहाँ से आ रहा है तू? क्या है तेरे मुंह में? छोड़ ना छोड़। अरे ये क्या उठा कर लाया, पिस्तौल? अगले इसको हाथ नहीं लगाते, जो डरता है वो इसका सहारा लेता है। तुझे डर किस बात का है, तू तो बहादुर है। अरे हाँ, अनुराधा कहाँ है? बाबूजी, आज आप मुझ पर गुस्सा नहीं कर सकते। मेरा बिल्कुल कसूर नहीं है, सारी गलती उस आदमी की है। पहले चेतक पर हाथ उठाया, फिर पिस्तौल लेकर मुझे धमकाने लगा। टाइगर ने पिस्तौल छीन लिया। कौन था वो आदमी बेटी? वही जो शिकायत लेकर आया आपके पास। यहाँ तो कोई शिकायत लेकर नहीं आया। नहीं आया? तो वो जीप। जीप? जीप में तो ये आया था, अजीत, हमारे रियासत का नया सेनापति। वो ठाकुर राम सिंह थे ना, उनका लड़का। बचपन में तुम दोनों साथ खेला करते थे। अजीत, ये है मेरी लड़की अनुराधा। अच्छा अब तुम्हें बातचीत करो, मैं मुंह धोकर आता हूँ, नहीं तो खाने की घंटी बज जाएगी। सेनापति जी। जी। जिसका पिस्तौल कुत्ता छीन कर ले जाए वो सेनापति हो सकता है? बेशक, अगर कुत्ता किसी लड़की का हो और लड़की तुम जैसी हो। मेरी जैसी? हाँ, निडर, बड़ी बड़ी आंखों वाली। अरे क्या हुआ? शर्माने वाली, लज्जाने वाली। हाय, मर्द का हाथ लगते ही बदन चुराने वाली। हाय, खाने की घंटी। अरे चलो भाई, खाने का वक्त हो गया, मेरे खानसामी इंतजार कर रहे होंगे। का समय ठग बाबू, ये बैरे खानसा में। हाँ अजीत, मेरा विचार है कि आदमी को आदमी का गुलाम नहीं बनना चाहिए। आओ बैठो। Thank you.
जब आप जानवरों को इतना सीधा कर देते हैं तो आदमियों का क्या हाल करते होंगे? बिल्कुल सीधा कर देते हैं। लेकिन रियासत के मंत्री दीवान मान सिंह को आप भी सीधा नहीं कर सके ठाकुर बाबू। वो भी एक दो दिन में हो जाएगा। मैं महाराज से आज ही मिलकर आया हूँ, वो अपना राजपाट जनता के हवाले करने वाले। वॉट यू मीन डेमोक्रेसी? हाँ, गणतंत्र। लेकिन मान सिंह के होते हुए ये काम नहीं हो सकता ठाकुर बाबू, क्योंकि वो अंग्रेजों का दोस्त है और महाराज का चचेरा भाई। तुम कामिनी? हाँ राजा जानी, मैं अपने कोठे पर राह तकते तकते थक गई, रात ढलने लगी। सुनी सुनी सेज पर चांद की किरणें तीरों की तरह चूमने लगी, दिल की धड़कन किसी का बच्चा नहीं लगे देती। पाँव अपने आप आपके द्वार तक आ पहुंचे, अब आप अपनी बाहों में ले लें तो चलना है। कामिनी, आज हम बहुत परेशान, हमने क्या क्या ख्वाब देखे थे इस रियासत के तख्त पर बैठने के और तुम्हें अपनी महारानी बनाने के। और उस दो कौड़ी के ठाकुर ने आपके साथ सपने तोड़ डाले। कामिनी, अब यहाँ जनता का राज होने वाला है। ये तो बहुत बुरी खबर है राजा जानी। तुम्हारे लिए नहीं कामिनी, हमारे लिए। तुम तो जनता की एक लड़की हो। वैश्या जनता में से होती है लेकिन जनता की नहीं होती। उसका घर तो दौलत वालों से आबाद होता है और दौलत सिर्फ राजा महाराजाओं के हाथ में होती है। राजा जानी, जनता जब चैन की बंसी बजाएगी तो राजा महाराजाओं के महल और हमारे कोठे सुने हो जाएंगे। इस बांसुरी को जनता के हाथ में जाने से पहले तोड़ दो राजा जानी। हम भी यही चाहते हैं कामिनी, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करें और कैसे करें। राजा जानी, फूलों के साथ कांटे भी होते हैं और एक कांटे से दूसरे कांटे को निकाल दिया जाता है। सरकार, आने दो इसे। सरकार, ये हार लेकर ठाकुर बाबू का घर गई और वो तो सवेरे सवेरे महल में आ पहुंचे। अब ये हार हमारी जनता की ओर से महाराज को पहना दियो। शेर सिंह, महाराज आज्ञा है। हमारे महाराज ने हमेशा जनता की भलाई की बात ही सोची है। आज वो अपना राज्य और अपने अधिकार जनता को सौंपने जा रहे हैं। इस महान त्याग पर जनता ने महाराज के लिए ये प्यार भरा उपहार भेजा है। मैं राज्य का सेवक हूं और ठाकुर बाबू जनता के नेता हैं, इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने शुभ हाथों से ये माला महाराज को पहनाएं। दीवान जी, मैं नेता नहीं हूं, जनता का सेवक हूं। महाराज को यह हार जरूर पहनाऊंगा लेकिन इस दरबार में नहीं, खुले आकाश के नीचे जनता के बीच, जब हुकूमत की बागडोर जनता के हाथ में होगी। दीवान जी, ये कर्तव्य मेरा है। यदि मैं महाराज के चरणों की दासी हूं और इस महल की रानी हूं तो जनता की मां भी हूं।
हम ठाकुर जगदेव सिंह जी के बड़े आभारी हैं, जिनकी ज्योति से हमारी आत्मा रोशन हो गई। मन सच्चाई के रास्ते पे चलने के लिए खुशी से बेचैन हो उठा है, हमारी आंखें खुल गई। 15 अगस्त को अंग्रेज सरकार हुकूमत की बागडोर हम भारतवासियों के हाथ देकर यहां से चल देगी। हम चाहते हैं कि उनके जाने से पहले इस देश के राजे महाराजे भी अपनी शक्ति जनता के हाथ में दे दें, और इस ओर पहला कदम मैं उठाता हूं। मैं ठाकुर दिग्विजय सिंह आज अपनी सारी सत्ता, अपना राज, अपने सारे अधिकार जनता को महारानी। महाराज। राजकुमार, हम राजकुमार को देखना चाहते हैं। राजकुमार के लिए सवारी जा चुकी है महाराज। बोलो कंचन सिंह। शाबाश कंचन सिंह। लो कामिनी, 12 बजे हमारा दूसरा काटा भी निकल जाएगा। राजकुमार भी बिल्कुल साफ हो जाएगा। अच्छा तो कामिनी, अब 12 बजे से पहले हमें महाराज का वसीयतनामा हासिल कर लेना चाहिए। ये बहुत जरूरी है राजा जानी। उधर 12 बजे राजकुमार भी दुनिया से उठ जाएगा। राजकुमार अभी तक नहीं आया ना। 12 बजे तक पहुंचने वाले थे, बस अभी आते ही होंगे। हमारे पास समय बहुत कम है ठाकुर बाबू जी। हम राजकुमार को आपके आपकी सरपरस्ती में देते हैं। वकील साहब। ये लीजिए हमारा वसीयतनामा। आज से हम अपने सारे अधिकार जनता के सपोर्ट करते हैं। ये सब काम आपको अपने हाथ से पूरा करना होगा। मान सिंह, हम हुक्म देते हैं आज से राज के सारे अधिकारी ठाकुर बाबू की आज्ञा का पालन करेंगे। लक्ष्मीदास, खजाने का हिसाब किताब भी ठाकुर बाबू ही देखें। आपको कुछ नहीं होगा, मुझे विश्वास है आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आप चिंता न कीजिए महाराज, आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे, आप ठीक हो जाएंगे। और महाराज, आपकी जो दौलत विदेशी बैंकों में पड़ी हुई है। महारानी, हम एकांत चाहते हैं। स्विट्जरलैंड के एक बैंक में हमारा कुछ रुपया जमा है, वो हमारा जाती रुपया है, रियासत का नहीं। वो सिर्फ राजकुमार को मिलना चाहिए और किसी को नहीं। ऐसा ही होगा महाराज। उस हिसाब का गुप्त नंबर है
भगवान, भेज कोई मोटी आसामी जो धन से भरपूर हो, दुखों से चूर हो, जो मेरी भविष्यवाणी सुने और अपना सर धुने। बापू मर गए, तू क्या लेने आई है सुबह सुबह? आटा। आटा? ये ज्योतिष कार्यालय है या आटा पिसने की चक्की है? सुबह घर पे नहीं मांग सकती थी? घर से निकलते वक्त कहते हो मत मांगो, अब यहाँ आई हूँ तो कहते यहाँ भी मत मांगो। रो मत बेटी, रो मत, सुबह से एक ग्राहक आया नहीं है, ग्राहक आ जाएगा तो मैं खुद आटा लेके घर पे चलाऊंगा। जल्दी आना बापू। दो घड़ी दो पल के अंदर चंद्र सूरज का योग होने वाला है, आज मेरी डबल लगने वाली है, दो ग्राहक आने वाले हैं। ताला चाबी लगवा लो, ताला चाबी लगवा लो। कौन थी वो? तेरी होने वाली भाभी। तेरी की जगह मेरी लगा के बोल। मेरी होने वाली भाभी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता? नहीं तो फिर उसका फैसला पंडित भैरव प्रसाद करेंगे। ठीक है, चलो चलो। पंडित जी, पंडित जी, अभी अभी हमने एक लड़की देखी। लड़की देखी? वो इसकी होने वाली भाभी थी। ज्योतिष विद्या कहती है। क्या कहती है? वो तुम्हारी पत्नी हो। मेरी पत्नी कब होगी? ज्योतिष विद्या कहती है जब तुम्हारी शादी होगी। शादी होगी? मेरी शादी कब होगी? ज्योतिष। अब कहाँ मिले? ज्योतिष विद्या कहती है घर के अंदर मिलेगी। घर के अंदर? पंडित जी, उसके साथ मेरी शादी किस जगह होगी? किस जगह होगी? ज्योतिष विद्या कहती है मंदिर के अंदर होगी। मंदिर के अंदर? बोल बेटा चंदर। देख लूंगा मंदिर के अंदर। अबे हट, आया कैसे? बच्चा कुछ आता नहीं हो। भगवान, क्या ग्राहक भेजे है दोनों उल्ल के बैठे। चलो अब आटा लेके घर चलेंगे। हेलो मिस्टर घोड़ा, क्या हाल है मेरे दोस्त? यार उस दिन तो बहुत काम में है। एक बात बता, तेरी मिस घोड़े वाली कहाँ है? हैं, बोलना यार। आजा आजा। ओ आप? उधर अकेले में। उधर अकेले में? ओ थैंक यू, शुक्रिया जी, शुक्रिया। ओ अल्लाह ना अल्लाह ना, ओ माफ कीजिए माफ कीजिए, मैंने गलती से आपको अल्लाह ना समझ लिया। उधर नदी किनारे। नदी किनारे? ओह अनुराधा अनुराधा अनुराधा।
किनारे कानों में मेरे ये कहने लगा सैया मिला मोही नदिया किनारे कानों में मेरे ये कहने लगा शेरसिंह। जी सरकार। महाराज का वसीयतनामा। समझ गया सरकार। वसीयतनामा। पकड़ो इसको। देखो जाने ना पाए। भागो इसके पीछे। कुत्ते भी शेर हो गए। सरकार लीजिए, शेर के मुंह से हाथ डालकर निकाल कर लाया। नो कामिनी, इस तोप को संभाल कर रखो। तोप? महाराज ने यह तोप हमारे ऊपर दागी थी, हमने इसका मुंह ठाकुर जगदेव सिंह की तरफ मोड़ लिया। ठाकुर? जन्मपत्री है। हमारी जन्मपत्री? मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। एक कुत्ता तुम्हें उल्लू बना गया। तू क्या मेरी दुकानदारी चौपड़ कर रहा है? अरे तू क्या पिछले जन्म का ज्योतिष है? अरे छोड़ मेरा अंगूठा छोड़। अरे मेरा अंगूठा छोड़। अरे अरे अंगूठा छोड़, मेरा अंगूठा छोड़। अरे क्या कर, अरे तुम हंसते क्या हो? पंडित जी लाठी मारिए, लाठी, ऐसे ही पीछा छोड़ने वाला नहीं। अरे बाप रे।
अरे ये तो बाबूजी की पगड़ी है, कहाँ है वो और टाइगर कहाँ रह गया? ये तो पिछले जन्म का ज्योतिषी है। हा? अरे छोड़ दुश्मन, तो मेरे जजमानों की पत्नी लेकर ही जाएगा ना। बेटी बेटी पकड़ इसको, अरे पकड़ छोड़ने नहीं, छोड़ना जान नहीं जरा जान। बापू जल्दी आओ। अभी आता हूँ। आया बेटी, अरे अरे छोड़, अरे मुझे गाना खिलाओ। आज दो कौन के घर नहीं हुआ। टाइगर, बाबूजी कहाँ है? मैं पूछती हूँ बाबूजी कहाँ है? ये क्या, जो मिलता है उठा लाता है। पुराने जमाने की अलमारी है ये तो देखी वाली है। अरे आजकल ऐसी बनवाने जाओ तो लोहार हजार दो हजार से इससे कम बात ही नहीं करेगा। ये तो बहुत सुंदर है। अरे सुंदर कैसी नहीं होगी, मेरे पुरखों के जमाने की है। हाँ लेकिन इसे संभल कर हाथ लगा, कहीं दाग ना लग जाए। अरे हाथ लगाने से तो ये मैली हो जाएगी। ये तो इतनी नाजुक है, इतनी नाजुक है कि जी चाहता है इसे कलेजे में मिटा के रख लूं। हाँ। अलमारी इधर है, तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? जाओ रसोई बना। रसोई बना दी बापू। तो फिर खाने लगाओ, मैं अभी खाना खाने के लिए आता हूँ। जाती हूँ। जा अलमारी यहाँ खोल, खोल। अब अलमारी क्या खुलेगी, दिल की चाबी तो तुम साथ लेकर चले गए, लेकिन ज्योतिषी तुम सच्चे निकले, ठीक आठ दिन के अंदर मिली और घर के अंदर मिली। बापू तुम खाना खाओ, मैं जाकर उसके सर पर खड़ी होती हूँ। क्यों? अगर अलमारी खोलकर कुछ लेके भाग गया तो? जाओ जाओ। ए? तेरा नाम क्या है? तेरा नाम क्या है? मेरा नाम चांद। मेरा तारा। अरे वो मारा। बापू क्या जोड़ी बनाई है भगवान ने। वाह। अरे अलमारी खुल गई। अभी नहीं पंडित जी, ये डायरी आपके पुरखों की अलमारी, और मुझे ढूंढ के लानी पड़ेगी अपने पुरखों की चाबी इसे खोलने के लिए। बस जाता हूँ और आता हूँ। आता हूँ। हाँ पंडित जी, आज तो रोज ही आना पड़ेगा, पुरखों की अलमारी में पुरखों की चाबी तो फिट करनी है। कब आएगा? जब फुर्सत मिली तब इधर, जब फुर्सत मिली तब इधर। मैं सुबह 9 बजे घर से बाहर जाता हूँ, 9 बजे का पहले आना। तुम्हें बता दिया, धन्यवाद पंडित जी, आज की मजदूरी मिलेगी। उस दिन मेरे ज्योतिष के पैसे लेके गया था। चलो हिसाब रबर। अच्छा तारा, तारा के बाप से बात कर। अच्छा बाप जी, जा रहा हूँ। Ah!
जी नहीं, ये मेरा प्रार्थना पत्र है। अनुराधा, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? यही तो मैं पूछने आई हूँ राजमाता। उस दिन वो महाराज का वसीयतनामा लेकर महल में आए और फिर आज तक और क्या आज तक घर नहीं आए? तो फिर गए कहाँ? जा कहाँ सकते हैं? ये आपको मालूम होना चाहिए। आप राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आप ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रतिनिधि हैं और आप राज्य के सेनापति हैं। मुझे मालूम होता है कि उनके साथ बहुत बड़ी साजिश हुई है। यह नहीं हो सकता, वो तो सबके मित्र, राजा के भी प्रजा के भी। उस दिन राजकुमार पर हमला हुआ, हमला करने वालों का आज तक कोई पता नहीं चला और आज ठाकुर बाबू गायब है। दीवान जी, ये खोज आपको खुद ही करनी होगी, ये हमारी आज्ञा है। Of course, it is your duty. जब तक कि महाराज का विल हमारे सामने नहीं आ जाता और ठाकुर जगदेव सिंह का पता नहीं चलता, हम ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से दीवान मान सिंह को राजकुमार का गार्जियन मुकर्रर करते हैं। मेरी झूम के नाची जवानी तो घुंघरू टूट गए, मेरी झूम के नाची जवानी।
अनु, सारी रियासत में ठाकुर बाबू को ढूंढ आया, कहीं पता नहीं चला। जी, मुझे तो डर लग रहा है, मेरे बाबू जी करे किसी ने। अरे दिल छोटा ना करो अनुराधा, भला इस दुनिया में ठाकुर बाबू का कोई दुश्मन हो सकता है? ठाकुर बाबू, महाराज ने आपको शक्ति दी और अंग्रेज सरकार ने हमें सत्ता दी है, इनको बांधने के लिए किसने कहा था? हम आपसे माफी चाहते हैं ठाकुर बाबू, आप हमारे पूजनीय, आप अगर चाहें तो इस राज्य के मंत्री बन सकते हैं। और तुम राजा मान सिंह, कुत्ते को हड्डी डाली जाती है इंसान को नहीं, और तुम्हारी इस लालच की हड्डी पर तो मेरा कुत्ता भी टांग उठाकर चला जाएगा, और राजा वही बनेगा जिसे जनता चाहेगी। ठाकुर जगदेव सिंह, जनता की याददाश्त बहुत कमजोर होती है, वो चार दिन में अपने लीडर को भूल जाएंगे। हमारी बात मानो तो हमें स्विस बैंक का कोड नंबर दे दो, हम तुम्हारी बेटी से ब्याह करके उसे यहां की महारानी बनाएंगे। नमक हराम, सरकारी नौकर होकर जनता की बहू बेटियों को बुरी नजर से देखता है? मैं राजमाता से कह के तेरी खाल खिंचवा दूंगा। जगदेव सिंह, जिस राजमाता पे तुम्हें इतना मान है उसी के हाथों तुम्हें दलील ना करवाऊं तो हमारा नाम ठाकुर मान सिंह नहीं है। रियासत का सारा खजाना ठाकुर बाबू लूट कर ले गए। नहीं लक्ष्मीदास, ठाकुर बाबू ऐसा काम कभी नहीं कर सकते। आज माता, तुम्हें धोखा हुआ लक्ष्मीदास, ठाकुर बाबू नहीं कोई और होगा। मैंने अपनी आंखों से देखा था माता, मुझे क्षमा कर दीजिए। इस खजाने की देखभाल मेरे बाप दादा करते आए, मैं आज उसे अपनी जान देकर भी नहीं बचा सका। नहीं, ये सरासर झूठ है। सेनापति, ठाकुर बाबू का पीछा किया जाए और खजाने के साथ उसे राजमाता के सामने पेश किया जाए। चले गए, बोलो बोलो मां, तुम तो जगत माता हो, सबकी रक्षा करती हो, मेरे बाबूजी की भी रक्षा करना मां। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अरे सिपाही जी, क्या बात है, आधी रात को सरकारी दौड़ हो रही है, कैसी? खजाना चोरी हो गया है, उसी की तलाश हो रही है। अरे बाप रे, चोरी जरूर किसी खानदानी चोर ने की है, वैसे मैंने नहीं की। अगर ये खजाना मुझे मिल जाता, अबे पागल हो जाता। पागल? कोई नई बात करो उस्ताद, मैं सारा खजाना सारी जनता को बांटकर खुद संन्यास ले लेता। अजीत, ये महारानी के गले का हार यहाँ कैसे आ गया? ये तो यहाँ पड़ा था। ये खजाने में था और खजाना लूट लिया गया है, गवाहों की आंखें ठाकुर बाबू का नाम लेती है। और तुम्हें विश्वास आ गया? नहीं, लेकिन कानून ठाकुर बाबू को गुनाहगार ठहरा चुका है, तो मेरी मानो
तो बाहर घोड़ा खड़ा है, रातों रात राज की सीमा से पार हो जाओ। भाग जाऊं? किस लिए भाग जाऊं? क्यों भाग जाऊं? यह हार तुम्हारे हाथ की हथकड़ी बन जाएगा अनुराधा। ये हार मेरी जीत भी हो सकता है। गिरफ्तार कर लो मुझे, आज तुम्हारे कानून की सच्चाई को देखना है। अनुराधा, कानून मरने वाले के झूठे बयान को भी सच मानता है, और लक्ष्मीदास ने मरते मरते ठाकुर बाबू का नाम लिया है। लक्ष्मीदास, तुमने खूब सफाई से नाटक खेला, मजा आ गया है मुझे। दीवान जी, मैंने अपना काम कर दिया, अब मेरा इनाम। कामिनी, इसका इनाम तैयार है। कुत्ता? कुत्ता नहीं, कुत्ते का पिल्ला। दीवान जी, इससे वफादारी का सबक सीखो लक्ष्मीदास, ले लो इसे। दीवान जी, मेरी सेवा का ये फल? तुम्हारी सेवा? तुम्हारे बाप दादा महाराज का नमक खाते रहे और तुम आज नमक हराम निकले। तुम्हारे लिए इससे बढ़कर और कोई इनाम नहीं है लक्ष्मीदास। कामिनी, हम तुम्हारे दिमाग की दाद देते। दीवान जी, मुझ पर तरस खाइए, भगवान से डरिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं दीवान जी, मेरे छोटे छोटे बच्चे। ले जाए दोनों कुत्तों को मेरे सामने से, और डाल दो कारागार के निचले तहखाने में, जहां किसी की नजर ना पड़े। मेरे बाप का दंड तो तूने मुझे दे दिया मानसिंह, मगर तेरे बाप का दंड तुझे भगवान देगा। महाराज मुझे क्षमा कर देना, राजमाता मुझे क्षमा कर देना, ठाकुर बाबू निर्दोष हैं, ठाकुर बाबू निर्दोष हैं, ठाकुर बाबू निर्दोष हैं। तुम्हारे बाप ने खजाना लूट लिया, हमें इसका कोई दुख नहीं, दुख इस बात का है कि उसने खानदानी वफादार का खून कर दिया। ये झूठ है, काश के झूठ होता। जिन्होंने जीवन में कभी एक चीटी नहीं मारी राजमाता, वो एक आदमी का खून कैसे कर सकते हैं? खून में लथपथ लक्ष्मीदास ने मरते वक्त उसी का नाम लिया था। हमें विश्वास है कि मृत्युशैया पर पड़ा हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोल सकता। बेशक लक्ष्मीदास एक धर्मात्मा आदमी था, उसने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। और फिर सवाल यह पैदा होता है कि राजमाता के गले का हार खजाने की तिजोरी में से निकल कर तुम्हारे घर कैसे पहुंच गया? क्या यह तुम्हारे बाप के अपराधी होने का सबूत नहीं है? दीवान जी, एक सवाल यह भी पैदा होता है, जबकि महाराज अपनी सारी दौलत और अपने सारे अधिकार ठाकुर बाबू को सौंप गए थे, फिर उन्हें डाका डालने की क्या जरूरत थी? यह मैं तुम्हें कल बताऊंगा, तुम्हारे ठाकुर बाबू से पूछकर। पूछकर? हाँ राजमाता, डाकू जगदेव सिंह अपनी बेटी को छुड़ाने जरूर आएगा, और आज ही आएगा, हम उसे गिरफ्तार करके आपके सामने पेश कर देंगे। सिपाहियों, ले चलो इसे, हम इस पर खुद नजर रखेंगे। हम चाहते हैं तुम अपने पिताजी को समझाओ, वो लोक सेवा छोड़कर हमारे साथ मिल जाए, हम उन्हें यहां का मंत्री बना देंगे, और तुम्हें तुम्हें यहां की रानी बनाएंगे। हरामखोर नीच कुत्ते। हम हराम खोर, हम नीच, हम कुत्ते, हम बहुत बुरे। देखो अब हम तुम्हें कैसे सजाते हैं। तुमने हमें गाली दी थी, हम तुम्हें इनाम देंगे। इसके बाप को हमारे सामने पेश करो। बाबूजी, ये काली काली घटाएं, ये रेशमी जुल्फें, ये गोरी गोरी बाहें, ये हिरनी जैसी आंखें, अनुराधा तुम्हारा हुस्न तो जोगन का ठाठे मारता हुआ सागर है सागर। अनु बाबूजी,
बेटी। तुम्हारी बेटी राजमाता की आज्ञा से यहां बांध के लाई गई। जिस पर तेरी इतनी निष्ठा थी, आज उसने तेरी इज्जत हमारे हवाले कर दी। हम तुम्हें वचन देते हैं, हम तुम्हारी इज्जत की रक्षा करेंगे। शर्त सिर्फ इतनी है, तुम हमें स्विस बैंक का कोड नंबर दे दो। मैं नंबर नहीं बताऊंगा मानसिंह। बेटी की इज्जत पर राजकुमार की बलि नहीं चढ़ा सकता। तब तो हमें पर्दा उठाकर तुम्हें तमाशा दिखाना ही होगा। बाप और बेटी के बीच कोई पर्दा नहीं होता। उस वक्त तू सिर्फ 2 महीने की थी जब तेरी मां तुझे मेरी गोद में डालकर भगवान के घर चली गई। अन्नु, मैंने तुझे नलाया, धुलाया, पाला पोसा, बड़ा किया। बाप के सामने बेटी कभी नंगी नहीं होती। जगदेव सिंह, बैंक का गुप्त नंबर बता दो, नहीं तो इसका रोम रोम नंगा हो जाएगा। मान सिंह, बाप के सामने बेटी किसी हालत में नंगी नहीं होती। देख लिया जगदेव सिंह? देख रहा हूं मान सिंह, तेरे पुरखों की इंसानियत को नंगा देख रहा हूं, तेरी मां की उस लाज को नंगा देख रहा हूं जिसका दूध तूने पिया है। उसे और डाल दो काल कोठरी। बाबूजी, तू चिंता मत कर बेटी, तू चिंता मत कर। द्रौपदी को जब नंगा किया जाता है तो भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते। मैं तुझे भगवान के हाथ छोड़ के जा रहा हूँ, मैं भगवान के हाथ। बाबूजी, बाबूजी, तेरा कोई भगवान नहीं। बाबूजी, यानी पुरानी शराब और नया शराब दोनों मिलकर अमृत हो जाते हैं और उसको पीने वाला अमर हो जाता है। ऐसा मालूम होता है जैसे जीवन भर की प्यास ही हो तुम। मैं तुम्हारे लिए अमृत लेके आते हैं। हाँ, अभी अमृत लेके आते। टाइगर, चेतक। तुम दोनों यहां क्यों आ गए? जाओ जाओ, जल्दी जाओ, छुप जाओ, वो जालिम आया। कि अपनी प्यास बुझाओ और हमें लाल लाल पंखड़ियों का रस चूस के अपनी प्यास बुझाएगा। छोड़ दो इस नीच को। Thank you.
मां, एक दिन तूने भी पापियों के नाश के लिए तलवार उठाई थी, आज तेरी एक बेटी अत्याचार का मुकाबला करने के लिए तुझसे आशीर्वाद लेने आई है। मुझे सफलता देना मां। आप तो तलवार के धनी हैं दीवान जी। अरे जाओ चाचा, मार खा के आए, वो भी एक लड़की से। राजकुमार। कमाल की बात है दीवान जी, ठाकुर बाबू अकेले आए और अपनी लड़की को छुड़ा कर ले गए। वो अकेला नहीं था राजमाता, उसके साथ डाकुओं का गिरोह था। सच्चे का बोल बाला, झूठे का मुंह काला। हम अनुराधा को छुड़ा कर ले गए, हमारे ठाकुर बाबू को मानसिंह ने किसी अनजानी जगह पर कैद कर रखा। अगर 3 दिन के अंदर उन्हें न छोड़ा गया तो हम ईट से ईट बजा देंगे सबका भला चाहने वाला बाजीगर। ठाकुर बाबू आपके कैद में दीवान जी। जगदेव सिंह अगर मेरी कैद में होता तो बाजीगर के रूप में यहां कैसे आता? ठाकुर बाबू बाजीगर है। किराए के लिए खाली है। रातों रात मकान खाली करके कहां चले गए? कमाले, लो कबाब में से एक हड्डी तो निकल गई। और अगर मेरे बापू ने ये बोर्ड पढ़ लिया तो? बापू, जय हो पंडित जी महाराज, जय हो। आप जैसा ज्योतिषी तो सारे संसार में नहीं मिले। क्यों बे चाबी वाले, तूने मेरे अलमारी का ताला क्यों नहीं खोला? अरे अलमारी की बात छोड़िए,
मेरी अपने तकदीर के ताले की चाबी बदल गई है। क्या हुआ? याद है आपने मुझसे कहा था लड़की मिलेगी घर के अंदर मिलेगी। फिर मिली, घर के अंदर मिली, लेकिन उसका बाप एक नंबर का कमीना है और दूसरा वो सरकारी आदमी, दोनों हाथ धोकर मेरे पीछे पड़े हुए। अरे वो तो मैं तुम्हारी हस्तरेखा में देख रहा हूँ, तू बाप को मना ले, सरकारी आदमी क्या करेगा? जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा ये पाजी? सच कहा पंडित जी महाराज, लेकिन उसका बाप 10 नंबर का नीचे, अपने दामाद को सामने देखकर नहीं पहचानता। पहचानेगा, पहचानेगा, उसके लिए उपाय करना होगा। 5 रुपए लगेंगे। 5 रुपए? आप ये मेरे से 10 रुपए लीजिए, लेकिन इस खूबसूरत लड़की के बदसूरत बाप से मेरा पीछा छुड़ा दीजिए। ये जंतर पानी में घोल कर उसको पिला दे, लड़की का बाप कुत्ता बनकर तुम्हारे पीछे दुम हिलाते घूमेगा। धन्य हो महाराज, आपके लिए पानी लाऊं? हाँ हाँ ले आ। आज तो नहीं ले गया? नहीं नहीं, आदमी ईमानदार है। अरे खुदा रहे तो मेरी सपनों की रानी, आज तेरे बापू और सरकारी आदमी दोनों का इंतजाम कर गया हूँ। अब तो तेरे बापू मुझे देखते ही अपना दामाद अब तेरा दूल्हा बना देंगे। पंडित जी, आपने मकान खाली कर दिया? मकान खाली कर दिया? सरकार, आज आप कहीं भंग पीकर तो नहीं आए? पंडित जी, आज वो लोहार का बच्चा दिखाई नहीं दे रहा। अभी अभी ज्योतिष लगवा कर गया। अरे पंडित जी, आपके मुंह में क्या लगा हुआ है? आप सरकारी आदमी और मैं लड़की का बाप, तेरी तो मैं। मकान किराए के लिए खाली है, अभी इसकी खोपड़ी खाली करता हूँ। तुम्हें किसने पुकारा? अरे ओ लोहार के बच्चे, बाहर निकल। बाप रे बाप, मेरा बाप, तेरा बाप, तेरा बाप, बच्चा। अरे ओ तारा, चल हट। बापू की बच्ची कहाँ है? वो ताला चाबी वाला, आज मैं उसके जिंदगी का हानिकर का ताला ना तोड़ दूं तो मेरा नाम पंडित भैरव प्रसाद राज ज्योतिषी नहीं, मेरा ही जंतर मुझ पर चलाकर मेरे ही घर में घुस गया। कौन बापू? चल हट। कौन की बच्ची? कहाँ छुपाए वो लोहार का बच्चा? क्या हुआ? पापा के बेटी को बदनाम करती हूँ, शर्म नहीं आती? अरे वो लोहार के बच्चे ने मुझे भरम में डाल दिया, लेकिन वो बोल मकान किराए के लिए खाली है। कहाँ भाग गया? कौन धोखेबाज सरकार? बाजीगर। कौन बाजीगर? वही जो लोगों के मकान पर झूठे बोर्ड लगाकर उनके मकानों में घुस जाता है। लेकिन बाजीगर का यहाँ क्या काम है सरकार? यहाँ बाजीगर नहीं आया था तो कौन आया था? यहाँ कोई भी नहीं आया। कोई भी नहीं आया था? ये थाली यहाँ पर क्यों रखी हुई है? मैं खाना खा रही थी। खाना खा रही थी? हाँ। फिर ये 2 ग्लास यहाँ पर क्यों रखे हुए? भगवान को भोग लगाया था। कहाँ है तुम्हारा भगवान? ऊपर, जो सबका भगवान है ऊपर। बड़ी धर्मग्रम वाली है मेरी बेटी। मैं अभी इसके भगवान को प्रकट करता हूं, चश्मे लगाकर देखिए पंडित जी। चल बे ओए चौधर, नीचे उतर। अरे जल्दी आना। अरे ये तो अपना यार है लोहार का बच्चा, मैं समझा बाजीगर है। अबे उल्लू, तू यहाँ क्या कर रहा था? क्यों उसे मारते हैं? क्यों मारते हैं? ये रोज मेरी इज्जत टूटने आता है। ऐसी बात है तो मारिए। बाकी के मरम्मत में इसकी थाने पे करवाना है। फिर थाने? ले जाए इसे थाने, ये रोज मेरी इज्जत लूटने आता है। ठीक है, मैं इसे तो थाने में बंद कर दूंगा। लेकिन पंडित जी, आप भी आपकी तारा के लिए कोई अच्छा सा वर ढूंढ के इसकी शादी करवाइए, वरना आपको भी अंदर बंद करना पड़ेगा। चलो लो तारा। अब बता, तेरी होने वाली या मेरी होने वाली भाभी? बताता हूं, मेरी होने वाली भी तेरी भाभी। चूहा
हवा का ये कहा? बाजीगर बाजीगर बाजीगर। कंचन सिंह। जी सरकार। तुमने कभी उल्लू देखा है? उल्लू? तुम उसके पट्टे हो। बाजीगर कोई आदमी नहीं है। तो फिर कौन हो सकता है? ठाकुर जगदेव सिंह की बेटी। जिस दिन वो पकड़ी जाएगी उस दिन बाजीगर भी पकड़ा जाएगा। बताओ कहां है ठाकुर जगदेव सिंह की बेटी? बोल कुत्ते, खाल उधेड़ दो इस नमक की। मारो और दो से मारो। बोल कुत्ते मारो। ऐरो, ये ऐसे नहीं बताएगा। जब तक अनुराधा का पता नहीं बताएगा तेरी जान नहीं छूट सकती। बुड्ढे काफी वक्त है बुड्ढे, बोल दे कहता हूं, नहीं तो तेरी चमड़ी उधेड़ जाएगी। शर्म करो सालिमा। चली जा बेटी, चली जा, वरना ये लोग तुझे जान से मार डालेंगे। बड़े जालिम हैं ये लोग। गिरफ्तार कर लो इसे, यही बाजीगर है। Thank you.
कुत्ता बाजीगर बनके तुम्हारे हाथों से लड़की को छुड़ा कर लेके और तुम मुंह देखते रह गए। इतने आदमियों के सामने हम कर भी कह सकते थे सरकार। ये लो, इन्हें बैंक के घर पे तो बैठ सकते हो। डूब मरो, जाओ अपना मुंह काला करो। हाँ, टाइगर क्या ला रहा है? अरे वाह, वाह 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 वाह, सोने की मोहरे, हीरे, हार, मोती, पन्ने। अरे वाह टाइगर, कमाल कर दिया, जवाब नहीं तुम्हारा। अरे चंदू, ये तो सरकारी खजाना मालूम होता है। ये क्या? तो वही खजाना है जो हमने ठाकुर जगदेव राजा जानी, ये साजिश का पाटा फेंका गया है। सरकार, राजमाता जी पधार रही है। राजमाता? राजमाता, आपने यहां पधारने का कष्ट किया, आपने मुझे बुलवा लिया होता। ये लुटे हुए खजाने का माल है। देख लीजिए राजमाता, बाजीगर की बात सच निकली ना। मानसिंह, महाराज ने तुम पर कभी विश्वास नहीं किया और हमने सदा तुम्हारी रक्षा की, आज तुम हमी से विश्वासघात करना चाहते हो? समझदार अगर भागने की कोशिश करे। चलो, ये कौन है? कौन है तू? ये लेके आई थी हुजूर। तुम लेकर आई थी? कहां से? वो बाजीगर है ना, हमको यहां डालने को दिया। बाजीगर? ये हमारा गहना तुम्हारी कमर पे कैसे आ गया? ये भी बाजीगर ने दिया, हमार इनाम। कहां रहता है बाजीगर? बोलती क्यों नहीं? हमका कुछ नहीं मालूम माय बाप, बाजीगर हमको रास्ता में मिला और लालच में फंसा दिया। कंचन सिंह, ले जाओ इसको और चल दो काला का। माय बाप कुजू, हमें छोड़ दो, हमारा कोई कुजू नहीं, कोई कुजू नहीं, हमारा कोई कुजू नहीं। हम तुम्हारे आभारी, तुम अगर इस लड़की को नहीं पकड़ते तो इसकी जगह पर हम कारागार में होते। हे भगवान, बाजीगर ने कितना बड़ा नाटक खेला। केवल इसलिए कि राजमाता के दिल में एक वफादार मंत्री के खिलाफ लकीर पड़ जाए। बाजीगर राजमाता को बंदी बनाकर तख्त पर कब्जा कर ले और राजकुमार को मौत के घाट उतार दे। नहीं नहीं, हमें ऐसा लगता है महाराज के बाद रियासत में एक सिपाही नहीं रहा, एक राजपूत नहीं बचा। शत्रुओ के तलवार में जख्म लग गया है, कोई बाजीगर को पकड़ नहीं सकता। जो राज का दुश्मन है, हमारा बैरी है और राजकुमार का शत्रु है। राजमाता, आज आपने एक राजपूत के खून को ललकारा है। मैं आपके चरणों की सौगंध खा के कहता हूं, जब तक राज के दुश्मनों को गिरफ्तार करके आपके कदमों में नहीं डालूंगा, जिंदा वापस नहीं आऊंगा।
सौदा न कच कल उधार, आज सौदा न कच कल उधार, आज सौदा न कच कल उधार। गिरा दो। तू तो पहली ही बाजी में चित हो गया प्यारे। उस दिन बड़े जोर से राजमाता के चरणों की कसम खाई थी मुझे पकड़ने के लिए। तुम कैसे जानते हो? बाजीगर सब कुछ जानता है। अच्छा छोड़ यार, अब ये बता तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? मुझे निहत्ता देखकर ऐसी बातें करता है, जरा पिस्तौल तो उठा लेने दे। अच्छा ये बात है, उठा ले यार, तू भी क्या याद करेगा। प्यार की गोली से मर जाने वाले को तू पिस्तौल की गोली से मारना चाहता है? ये ले। हट जा। अनुराधा तुम और बाजीगर,
मानसिंह। अनु, मानसिंह और बाजीगर के रूप में? हाँ, ये अपने उस साथी को छुड़ाने आया है और बाजीगर इसलिए बना है ताकि इसका इल्जाम मुझ पर लगे। टाइगर, टाइगर, जाओ टाइगर। सामने ले जाऊंगा अनुराधा। नहीं, तुम राजमाता जी को यहां ले आओ, यहां सबके बीच में उसका पर्दा खुलना चाहिए। ठीक है, चलो। हाँ। लास्ट। ते
राजमाता नहीं आई? नहीं। हुकूमत विजयगढ़ उस बहादुर की आभारी है जिसने राज्य के दुश्मन को गिरफ्तार किया। बाजीगर सिपाहियों के हवाले कर दिया जाए और उसे गिरफ्तार करने वाले बहादुर को हमारे सामने पेश होना चाहिए इनाम के लिए। हस्ताक्षर रूपमती राजमाता विजयगढ़। बेटी, आज तो अल्लाह पाक ने हमारी बात सुन ली। ताज, इस काले सांप का चौकटा तो देखने दो। नहीं, अभी इसका हुक्म नहीं है। राजमाता कल बड़े दरबार में इन दोनों का नकाब उतारेंगी जनता के सामने। ले चलो इन दोनों को। नाम लेके जल्दी वापस आना और ठाकुर बाबू का अपने साथ लेकर आना। चलो हम सब छोड़ के आए दीदी को। चलो चलो सत्य का बोल बाला, झूठे का मुंह काला, 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 सत्य का बोल बाला, झूठे का मुंह काला। रियासत के जितने सफेद घोड़े हैं सबको गोली मार दो। दीदी का घोड़ा काला, मानसिंह का मुंह काला, दीदी का घोड़ा काला, मानसिंह का मुंह काला, दीदी का घोड़ा काला। राजमाता, ये रहा बाजीगर और ये है उसका साथी।
पहचान लीजिए इसे। ठाकुर बाबू, ठाकुर अंकल, क्या बाजीगर ऐसा होता है? इन्हें छोड़ दो रानी माँ, पापा ने तो इन्हें हमारा गार्जियन बनाया था। महाराज को इन पर विश्वास था बेटे, आज विश्वास का पात्र चकनाचूर हो गया। ये आपने क्या किया ठाकुर बाबू? श्रद्धा की मूर्ति आपने अपने हाथों से तोड़ डाली। इनका मुंह क्यों बांध रखा है? राजकुमार, अगर दीवान जी का पास चलता ना तो ये ठाकुर बाबू की जबान भी काट देते। अब आप किसी का मुंह नहीं बांध सकते दीवान जी, क्योंकि सच सच है और झूठ झूठ। क्या झूठ है सेनापति? राजमाता, झूठ यह है कि ठाकुर बाबू राज के शत्रु है, और सच यह है कि यह आदमी राज का दुश्मन है। मानसिंह जी? हां राजमाता, इसी ने उस दिन मुझ पर हमला किया और वसीयतनामा छीनकर मुझे कैद में डाल दिया। हुई दैया, ये बुढ़ा कितना झूठ बोलत है। माई पास ये वही बाजीगर है जो हमको खजाना दिया दीवान साहब का घर में डालने को। चुप कर कम साहब, ये लड़की भी इसी का खिलौना, इसको बचाने के लिए ये नाटक खेल रही है। लक्ष्मीदास की मौत भी एक नाटक था क्या? मरने वाले की जुबान पर हमने ठाकुर बाबू का नाम लिख दिया था? हमें तुम्हारे मुंह से बहावत की बुआ रही है। महाराज के विश्वास का पात्र तो टूट चुका है महारानी, अब आपके विश्वास का पात्र भी टूटने जा रहा है। आपका सेनापति इस बुड्ढे की बेटी के प्यार में फंसकर इसके क्लोह में शामिल हो गया। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इसको। तलवार मैं खुद तुम्हें इंसाफ करूंगी। मैं आप किसी को चाहते का पालन नहीं करूंगा राजमाता। बताती हैं कि तुम कन्या के बारे में चिंतित हो।
हाँ महाराज, तो उसका विवाह कर दो। मगर कोई वर भी तो मिले। वर वो तो हम ढूंढ देते। बड़ी कृपा होगी महाराज। अरे नहीं जाए। मिल गया। कल सुबह सूर्य उदय होने से पहले जो मनुष्य श्री नागेश्वर मंदिर में पूजा कर रहा होगा वही पिछले 7 जन्म से तुम्हारी कन्या का पति है। धन्य हो महाराज, धन्य हो। मगर याद रखो बच्चा, अगर तुमने कल ही अपनी कन्या का विवाह उस मनुष्य के साथ ना किया तो पूर्णमासी के दिन हम नाग बनकर तुम्हें डस देंगे। ऐसी महागुरु की आज्ञा। अनंत निरंजन। आज रात को ही नागेश्वर मंदिर में मंडप बनवाता हूं। चांद बना है दूल्हा और तारा बनेगी दुल्हन। बाप रे, मर गए। ये कथा कहां से आता है? दूध में मक्खी, कबाब में हड्डी। अब क्या करूं, सूरज निकलने वाला है। अभी इसका इलाज कर। सरकार, मैंने कहा सरकार। अबे क्या है लोहार, जरा मुझे भी पूजा करने दीजिए। दो फूल मैं भी चढ़ा लूं। ला तेरे फूल मैं ही चढ़ा देता हूं। ना ना सरकार, मैं अपने हाथ से फूल चढ़ाऊंगा। जरा जल्दी कीजिए, सूरज निकलने वाला है। गुरुदेव की आज्ञा से तुझे बहुत अच्छा वर मिल जाएगा। निकल आया सूरज, निकल आया। निकल आया। आ आ आ आ आ आ जा। अरे शर्माती क्यों है? आ आओ सरकार। आप गुरुजी, तुम धन्य हो। सरकार, ये मेरी कन्या तारा है। मेरे गुरुजी ने हिमालय से संदेश भेजा है कि आप इसके पिछले 7 जन्म के पति हैं और ये आपकी पत्नी है। इस जन्म में भी ये आपकी पत्नी और आप इसके पति हैं। तो आप मेरे 7 जन्म के ससुर हैं। बेटी, ढूंढने से वैसा वर नहीं मिलेगा। हिमालय वाले गुरुजी की आज्ञा का पालन न किया तो पत्थर का नाक भी डस लेगा। देखिए पंडित जी, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। सरकार, आप चिंता मत कीजिए, मंडप तो मैंने कल रात को ही बनवा के रखा है। आइए पधारिए। चल चल चल। बापू, मैं ये शादी नहीं करूं। अरे तू क्या, तेरा बाप भी करेगा। बैठ। पंडित जी, ये रो क्यों रही है? बेटा, इसको धुआं लग रहा है। आपने ठीक कहा था, वर मिल जाएगा। ये देखो, वर मिल गया। हम चरण छुओ बेटा। अब कल्याण हो बेटा, हमें ये वर बिल्कुल पसंद नहीं, परंतु हमें गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना होगा, क्योंकि होनी बहुत बलवान है। हम तुम्हारी कन्या का विवाह स्वयं अपने हाथों से करवाएंगे। देखता क्या है मूर्ख, आंख नीची रख, भावना ऊंची रख। उठ, सीधा खड़ा हो। पहले कभी शादी की है? नहीं महाराज। ओ तो फिर हमें सब सिखाना पड़ेगा। इधर सिखाइए। कन्या खड़ी हो जा, खड़ी हो जा कन्या, उठ। गुरुदेव, तू पति पत्नी के बीच में आने वाला कौन होता है? बच्चा पीछे हट। कन्या, बच्चा, तू देख इधर और तू देख इधर। तेरा और इसका इस तरह से गठबंधन होगा। बच्चा, तुम विवाह के मंत्र पढ़ो और हम इसे फिर लेकर दिखाते हैं। चलो कन्या। अलग नजर। ओम केशवाय स्वाहा, ओम नारायणाय स्वाहा, ओम माधवाय स्वाहा, गोविंदाय स्वाहा, ओम विष्णवे नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम वामनाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम गणपते नमः, ओम शर्मिलाय नमः, ओम मीनाय नमः, ओम महिलाय नमः, ओम महाराय नमः, ओम महिलाय नमः, ओम महिलाय नमः, ओम नंदाय नमः, ओम जय श्री नमः। समझ गया महाराज। समझ गया ना, तो लो इसे संभालो। और ससुर जी, आप इसे संभालिए और मैं कन्या को संभालता हूँ। आओ कन्या। अब बता किसकी भाभी? मेरी बीवी, मेरी भाभी। अच्छा ससुर जी, आ गया। विवाह के मंत्र पढ़ने की दक्षिणा अगले बर्फ पहुंचा दूंगा। चुप, दो या तीन जो हो। चलो तारा। रोना नहीं, तुम्हारे लिए भी कोई अच्छा सवर ढूंढूंगा। आए, वो आए, आजा भी आस्ता।
सफेद घोड़ा और कुत्ते का बच्चा हमें हमेशा नीचा दिखा के चला जाता है। और आज तो सेनापति भी आपको तलवार की नोक पर मारकर चला गया। कामिनी, राजा जानी, आप तो मुझे महारानी नहीं बना सके, लेकिन ये बंदी आपको महाराजा बनाकर जरूर दिखा देगी। आप खामखा जगदेव सिंह के पीछे भाग गए हैं, मगर वो वसीयतनामा जो वसीयतनामा कलम की लकीरें और कागज के फरमान मेरे एक ही वार से पुरजे पुरजे हो जाएंगे। कैसे? जगदेव सिंह महाराज का वफादार कुत्ता, जब राजकुमार के सीने पे बंदूक रख दी जाएगी तो बुढ़ा अपने आप सारे राज उगल देगा। जियो कामिनी, तुम्हारा जवाब नहीं। क्यों बोटे, बैंक का कोड नंबर बताते हो या फिर फांसी के तख्ते पे लटकना चाहते हो? मानसिंह, तुम नमक हराम, तुम्हारी लापरवाही से हमें हमेशा ठोकर खानी पड़ती। राजकुमार को हमारे दुश्मनों के हवाले कराए। हेलो हेलो रानी माँ, हमें राजकुमार। बेटे तुम कैसे हो, कहाँ हो बेटे? हम बहुत अच्छे रानी माँ, हमारे साथ में अनु दीदी भी है, ठाकुर बाबू की बेटी, उन्होंने हमें बचाया। क्या, ठाकुर बाबू की बेटी अनुराधा ने तुम्हें बचाया? हे भगवान, मैंने ये क्या हुक्म दे दिया? हाँ रानी माँ, उनका कोई कसूर नहीं है, ये सब मानसिंह और उसके साथी कंचन ने करा रहे। कंचन से? मानसिंह का आदमी, यानी ये सब मानसिंह ही करवा रहा है? मानसिंह, डरिए नहीं राजमाता, अब मैं जो चाहूं आपसे कहलवा सकता हूं इस टेलीफोन पर। और राजकुमार तो अभी बच्चा है, राज के दुश्मन तलवार की नोक पर जो कहते होंगे तो मेरा बच्चा क्या? आपकी आज्ञा अनुसार मैंने ऐलान करवा दिया है, कल सूरज निकलने से पहले ठाकुर जगदेव सिंह को फांसी कर ठाकुर बाबू को मैं बचाऊंगा। लक्ष्मी दास, तुम जिंदा हो? और आज से सेनापति जी, आपको भी इसी तरह जिंदा रहना पड़ेगा। बताओ हमारे ठाकुर बाबू कहाँ हैं? बताता हूं। हम जानते थे अनुराधा तुम यहां जरूर आओगी, और तुम्हारा अजीत तुम्हारे बाबूजी को जेल से छुड़ाने के लिए जाएगा। ले जाओ उसे। चलो
सलील कमीने, महाराज की मौत भी तेरी साजिश का नतीजा थी। हरामखोर, तू यहां का राजा बनना चाहता है, लेकिन याद रख, आज की जनता तेरे जैसे पागल कुत्ते की हुकूमत कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। गुस्सा नहीं सेनापति, गुस्सा नहीं किया करते। हम जानते हैं कि तुम इस लड़की से प्यार करते हो, और ये लड़की हमेशा बाजीगर बन के हमें धोखा देती रही। हम अगर चाहें तो इससे बदला चुका सकते हैं, लेकिन नहीं, हम चाहते हैं कि तुम दोनों शादी करके जिंदगी की खुशियां मनाओ, और अगर चाहो तो इस रियासत के महामंत्री भी बन सकते हैं। ये सब ठाकुर बाबू के हाथ में, इन्हें जरा समझाओ कि महाराज का विदेशी बैंक में जो रुपया जमा है, सिर्फ उसका कोड नंबर हमें बता दें। हम सिर्फ इतना ही चाहते। कंचन सिंह, खाल उठेर दो सारा फोन। इन बेवकूफ कुत्तों की वजह से आज आपको भी यह दिन देखना पड़ा, लेकिन हम मजबूर हैं महारानी। जगदेव सिंह, कहते हैं इंसान की जिंदगी भगवान के हाथ में होती है, लेकिन आज इन सब की जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। अगर महाराज के बैंक अकाउंट का गुप्त नंबर हमें बता दो तो इन सबको रिहा कर दिया जा सकता है। मान सिंह, इंसान अपने जिंदगी के लालच और मौत के डर से अपने इरादे नहीं बदलता। राजा जानी, ये बुढ़ा इस तरह से नहीं बताएगा। ये बताएगा कामिनी, और अभी बताएगा। कंचन सिंह, जय सिंह, इसके घोड़े कुत्ते की आंखें निकाल दो, इसके पालतू जानवरों को टुकड़े टुकड़े करके बाप बेटी के सामने डाल दो। मासूम क्यों दुख उठाए? बाबूजी, मैं आपके हाथ छोड़ती हूँ। बाबूजी, नंबर बता दीजिए। मानसी, जो वचन मैं इंसान के लिए नहीं तोड़ सका, अपनी बेटी के लिए नहीं तोड़ सका, इन बेजबान जानवरों के लिए तोड़ता हूं। महाराज के स्विस बैंक का गुप्त नंबर है, ये रुपया महाराज ने राजकुमार के लिए रखा था। जय सिंह, राजकुमार को छोड़ दो। कामिनी, हमारे विदेश से वापस आने तक
इन सब की हिफाजत तुम्हारे जिम्मे है। हम वापस आकर इन सबको रिहा कर देंगे। हम वादा करते हैं कि हम वापस आकर सबको रिहा कर देंगे। कामिनी, हम सबको रिहा कर देंगे। कामिनी, हम सबको रिहा कर देंगे। Oh!
लूट गया, बर्बाद हो गया। अरे कुत्ते, अरे घोड़े ठहर, अरे कुत्ते घोड़े ठहर। अरे मेरे पुरखों की अलमारी, मेरे पुरखों की अलमारी। अरे ठहर, अरे ठहर, मेरे पुरखों की अलमारी, मेरे पुरखों की अलमारी। क्या बात है पंडित जी, क्या बताऊं ठाकुर साहब, घोड़े के पेट में अलमारी और कुत्ते के मुंह में चाबी, मेरे पुरखों की अलमारी। अरे बाबा चुप करो, चुप क्या करो, मेरे पुरखों की अलमारी। चुप रहो पंडित, चुप चुप बैठा, चुप रहो। अरे बाबा चुप करो। वसीयतनामा, वसीयतनामा राजमाता, ये रहा महाराज का वसीयतनामा। ठाकुर बाबू, इस खुशी के मौके पर हम आपकी आज्ञा के बिना अजीत और अनुराधा के विवाह की घोषणा करते हैं।